सामने खड़ी है BMW की तरफ से आने वाली S1000RR और इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह सारी ही चीजें आज की वीडियो में आइए जान लेते हैं। BMW की तरफ से आने वाली एक फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बाइक, इसमें आपको वैसे तो तीन मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे और इसमें आपको यार इतना पावर यानी कि 206 BHP का पावर 20 लाख तक की SUV में भी इतना पावर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। साथ में जब आप इसका लुक्स देखते हैं, फिर चाहे हम फ्रंट का लुक देखें, साइड का प्रोफाइल देखें, 197 kg गाड़ी का कर्ब वेट होने वाला है। सीट हाइट वगैरह की बात कर लें तो 824 mm गाड़ी की सीट हाइट होने वाली है, 144 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है, साथ में एक पावरफुल इंजन और साथ में ब्रिज टाइप फ्रेम यानी कि एक मजबूत चेसिस पर ये बाइक बनी है साथियों यार, और साथ में 206 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क देगी, 16 kmpl तक का ये आपको माइलेज देगी। साथ में जब आप इसका लुक्स देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यार साथियों, यहाँ जब आप इसका साइड का पैनल देखेंगे, फेंडर देखेंगे, तो एक एरोडायनेमिक शेप में ये गाड़ी बनाई है, डिज़ाइन की है तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। यहाँ से जब आप शार्प डिज़ाइन देखेंगे और यहाँ पे इसकी जो फ्रंट की लाइट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दो प्रोजेक्टर लाइट्स AHO के साथ DRL और यहाँ पर ये जो एरोडायनेमिक शेप में ग्राफिक्स हैं इसके ब्लैक कलर के, और RR की जो बैचिंग है ये गाड़ी को एकदम ही स्पोर्ट्सनेस से भर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेंडर और साथ में यहाँ पर आपको वाइजर देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। LED टर्न ऑन इंडिकेटर इसके ORBM यानी कि इसके मिरर्स में लगे हैं। साथ में फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक में ये आने वाली है। और इसके अगर हम यहाँ पर फुल्ली इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो ये 1000cc का इंजन है, इसमें आपको 206 BHP की पावर मिलेगी 13000 RPM पर और 113 Nm का टॉर्क मिलेगा 11000 RPM पर ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है, 6 ट्रांसमिशन के साथ आता है, ड्यूल सिलेंडर यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्रेम है इसका साथियों। और यहाँ पर इसके अगर हम प्राइस रेंज की बात कर लें तो ये जो बाइक है इसमें आपको वैसे तो तीन मॉडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जो इसका स्टैंडर्ड मॉडल है उसकी ऑन रोड कीमत 23,43,000 होने वाली है, जो 28,33,000 की कीमत तक जाती है। यहाँ पर सीट भी आरामदायक होने वाली है, चाहे फ्रंट की बात कर लें या रियर की सीट की बात कर लें, एकदम ही जो सीट्स हैं उन्हें राइडिंग की कंफर्टेबल कुशनिंग और साथ में यार इस राइडर का ध्यान रखते हुए बनाई है। साथ में जो खास चीज़ है वो है इसके टर्न ऑन इंडिकेटर, क्योंकि जो टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं उन्हीं में इसकी टेल लाइट अटैच्ड की है यहाँ पर रियर में, किसी भी तरीके से अलग से टेल लाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर RR की लोगो है, RR का बैचिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रियर पिलियन की सीट होने वाली है और कंफर्टेबल है आगे और पीछे की दोनों की सीट। यहाँ पर अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात कर लें, 16.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक है, एक अच्छी खासी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आने वाला है। यहाँ पर टैंक में आपको ग्राफिक के साथ यहाँ पर ग्रिपिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। साथ में एक बार आइए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं कि इसमें क्या खास होने वाला है। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से थीम बना हुआ नज़र आएगा और साथ में इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। फुल्ली डिजिटल मीटर देखने के लिए इसमें मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्यूल गेज से लेके एवरेज फ्यूल कंजप्शन, हैजर्ड लाइट वार्निंग, एवरेज स्पीड इंडिकेटर और साथ में कॉल SMS अलर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्टेंस टू MPT 2 trip meter होने वाले हैं, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग। यहाँ पर देखिए आप माय व्हीकल्स में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सेव करके रख सकते हैं और यहाँ पर जो ये जो बटन है इसकी मदद से क्रूज कंट्रोल को भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फंक्शंस इसमें दिए हैं। फिर चाहे हम लो बैटरी वार्निंग की बात कर लें, क्लॉक की बात कर लें, सर्विस रिमाइंडर की बात कर लें, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक DRL ऑन और ऑटोमेटिक हैजर्ड लाइट ऑन और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन, क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे ही फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से जब आप इसकी चाबी को ऑन करेंगे तो सारे ही फंक्शंस आपके ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल मीटर है, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ में यहाँ पर रियर में आप देखिए जो इसकी टेल लाइट है वो इंडिकेटर्स में ही लगी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं। साथ में यहाँ पर जब आप इसका फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो DRL चल रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। साथ में प्रोजेक्टर लाइट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 320 mm की ड्यूल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी फ्रंट में। साथ में यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो लुक्स है इसका, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। जब गाड़ी को आप ऑन करेंगे तो इसकी DRLs ऑन हो जाएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेंगी आपको यहाँ से देखने पर। फ्रंट का टायर होने वाला है 120/70 और ZR17 टायर होने वाला है और साथ में 45 mm के सस्पेंशन होने वाले हैं। और रियर के टायर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 190/55 और ZR17 टायर देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में एक बड़ी डिस्क की प्लेट लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टायर है वो बहुत ही चौड़ा होने वाला है, वेट ड्राई चेन के साथ ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाड़ी की कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया होने वाली है और साथ में यार काफ़ी बढ़िया टायर यानी कि चौड़े टायर्स दिए हैं। साथ में इसकी हम अगर
टॉप स्पीड की बात कर लें तो 303 किलोमीटर तक की इसकी टॉप की स्पीड होने वाली, सिंगल एग जो सिंगल एल्यूमिनियम स्विंग आर्म सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा, ड्यूल चैनल एबीएस और साथ में आपको चार पिस्टन कैलीपर देखने के लिए मिल जाएंगे फ्रंट ब्रेक में, और साथ में एक कैलीपर देखने के लिए मिल जाएगा रियर ब्रेक में, ट्यूबलेस और रेडियल टायर होने वाले हैं, चौड़े टायर होने वाले हैं, और साथ में 197 kg गाड़ी का कर्व वेट होने वाला है। खैर आपको कैसी लग रही है गाड़ी मित्रों कमेंट में जरूर बताना, क्या आपको 1000 वाली ये गाड़ी बीएमडब्ल्यू की पसंद आ रही है आरआर 1000 ये जरूर बताना यार। यहाँ पर आप देखिए यार ड्यूल डिस्क हैं और जो टायर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़े होने वाले हैं और साथ में 45mm के फ्रंट के सस्पेंशन होने वाले हैं। खैर ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये गाड़ी पसंद आ रही है, कमेंट में जरूर बताना मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।